हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो भाई, आज तुम्हारा भाई है बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे और वो ट्रिप की लोकेशन आप लोग वैसे ही थंबनेल में देख के आए हो। सो पर फिर भी एज अ व्लॉगर ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं जा रहा हूँ मनाली और यहाँ से हम गाड़ी में जाने वाले हैं। मेरा भाई जा रहा है, उसके साथ में दो दोस्त हैं, सो टोटल चार बंदे जाने वाले हैं। सारा इंतजाम हो चुका है, पैकिंग कर ली है, दाढ़ी वाड़ी सेट करा के, मतलब नोना बाबू बन चुके, कटिंग वटिंग करा ली है, बस अब 1-1.5 घंटे वेट करना और फिर निकलेंगे हम। तो भाई पैकिंग कर लिए, ये मेरा बैग है, ये शुभ का बैग है, इसमें सारे के सारे गर्मियों के कपड़े हैं और एक दो जैकेट रख लिए कि भाई अगर मौसम वगैरह चेंज होता है तो, एक जैकेट रख ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई ये हुक्का, जो भाई पहाड़ों में जाते टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए, वो भी रख लिया है। सो भाई सबसे ज़्यादा काम तो यही आने वाला है। भाई शुभ आ चुका है दुकान से। सो भाई क्या रिपोर्ट है, एक्साइटेड है? नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई। मज़े आने वाले हैं, बहुत तगड़े मज़े, व्लॉग्स तगड़े बनने वाले हैं ना। तगड़ा मज़े, पैसा है जेब में तो मज़े तो आएंगे। अरे पैसा मोटा है हम। सो भाई मैंने चेंज कर लिया, ये टी शर्ट डाल ली है, थोड़ा क्लासी भी लगना चाहिए इंसान को। सो मैंने ये सब चीज़ टी शर्ट वगैरह डाल ली, चेंज कर लिया, थोड़ा अच्छा लगूंगा तो अच्छा फील होएगा, ड्रेस गुड एंड फील गुड। सो गाइस अभी हम निकल लिए हैं, 8:05 हो रहे हैं और अभी शुभ गाड़ी चला रहा है, उसके बाद मतलब तब जब हम स्टॉप लेंगे उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। सो ऐसे करते करते हम 11-12 घंटे का सफर कर लेंगे जैसा हमने प्लान करा है। सो क्या पता मैं ही चलाऊं सारे रास्ते भाई, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है पहाड़ों में चलाने का, तो इसलिए ऐसा कर रहा है मेरे साथ। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि वो जो भाई है हमारा वो कंपनी से आया और ये दुकान से है, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जाना आराम से। फोन बज गया और मिलते हैं उनको पिक कर ले, थोड़ी देर मिलता हूं आपसे। सो गाइस बाकी के दो शेर भी आ गए हैं हमारे, ये जतिन, जतिन को तो आप जानते होंगे जो पिछले व्लॉग में आया था शुभ के बर्थडे वाले व्लॉग में, और साइड में पंकज, एक बार हेलो बोल दो भाई। हेलो, मजा आएगा, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला ना जतिन भाई, फुल भाई। सो यार ये व्लॉग हम एक तो YouTube के लिए भी बना रहा हूँ और हमारी लाइफ टाइम मेमोरीज हो जाएंगी भाई, आगे जाके देखेंगे। सो मजे आने वाले हैं। सो भाई वो पेट्रोल पंप पे रोकी है गाड़ी एंड इसको फुल करा रहे हैं और एक आध बार और फुल होगी और पहुंच जाएंगे हम मनाली। सो गाइस ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं हमें घर से निकले हुए और हमने 100 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं भाई, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो गए हैं। और हाँ अभी थोड़ी देर शुभ और चलाएगा, उसके बाद मैं चलाने लग जाऊंगा। और भाई जतिन माइक आगे कर थोड़ा सा, ये पंकज चला लेगा स्कूटी पहाड़ों में, ये नीचे और गिरा देगा हमको, हम दोनों हो जाएंगे हंडे फंडे। ये क्या चलाएगा, चीखे जाओ कमा बाद में लेंगे। अपनी जान बचाओ। और क्लब में कोई लड़की पसंद आ गई इसको तो इसको पेलेगी वो। वो लड़की अगर इसको पसंद आ गई वो अपनी किस्मत पे रोएगी। क्यों भाई, कह रहा था बोलते कि नहीं करो। तो गाइस अभी 11:30 हो रहे हैं एंड शुभ थोड़ा थक गया तो उसको नींद आ रही है, सो अब गाड़ी मैं चलाऊंगा और 1-2 घंटे के लिए मैं चलाऊंगा, उसके बाद हम खाना खाने के लिए रुकेंगे क्योंकि भूख भी अब लग रही है भाई। और हाईवे पे हैं तो खाना खाने का कुछ मिल नहीं सकता, तो डायरेक्ट कोई भी अगर अच्छा सा ढाबा मिलता है वहाँ रोक के खाना खाएंगे पहले। सो गाइज अभी एक होटल में रुके थे जो अम्बाला के अंदर है, पैलेस हवेली करके, और सबको भाई जोरों शोरों से भूख लग रही है, पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं, पर खाएंगे ज्यादा नहीं क्योंकि गाड़ी चलानी है और भूख लग रही है भाई, नहीं लग रही तो लग रही है भाई, लेकिन खाएंगे। और देखो भाई कितना सुंदर है ये हवेली, मैंने आपको दिखा दिया है, देखो इंटीरियर दिखाया एक बारी, इंटीरियर जाके दिखाऊंगा ना, एक्सटीरियर है भाई ये तो। गाइस पोपट हो चुका है, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट था वो 11 बजे बंद हो गया और भाई गंदे वाली भूख लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। 11 बजे यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, पर बाहर गार्ड अंकल कह रहे थे खुला है खुला है, वो शायद होटल का कह रहे होंगे। सो सीन हो गया भाई, यहाँ से देखो इस होटल का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मस्त है। बाकी बास्किन रॉबिन्स वगैरह यहाँ पे बरिस्ता भी है, पर बरिस्ता से हम लोगों को कुछ खाना नहीं है, हमें रोटी वगैरह खानी है। सो आगे देखते हैं भाई को होटल। गाइस फाइनली एक ढाबे में बैठ चुके हैं और एक दाल मखनी और 4 तंदूरी रोटी हमने ऑर्डर करी है। सो भाई मेरे को तो भाई बहुत गंदे वाली भूख लग रही है क्योंकि मैंने 6 बजे खाई थी मैगी और उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। सो खाना खाऊंगा उसके बाद मैं सोऊंगा और शुभ गाड़ी चलाएगा, बाकी वन लाइफ। पंकज घेरा ये ना के आ चुके हैं, देखो पूरा पंकज दिखाई एक बार इधर मुंह करियो, ये देखो पूरा ना के आ चुका है, हंस देखो कैसे रहा है। तो शुभ माइक नहीं लगा रहा तो आवाज़ नहीं आएगी, पर शुभ कह रहा है कि अगर किसी लड़की को ये पसंद आए तो उसके लिए रिश्ता जरूर भेजना और फिर एक बार इससे मिल लेना, फिर रिश्ता वापस चला जाएगा। जितिन पंकज का क्या काम है हमारी पूरी ट्रिप में? पंकज का काम है बोतल चुकना जाना मरवाना जाए हमारे पास पैसा नहीं है सर, लो हमें छोड़ दो।
अभी हम अपना कैमरा भी लाए तो इससे थोड़ी देर फोटो शूट करेंगे हम। शुभ का बहुत मन है फोटोज वगैरह खिंचवाने का। जतिन तेरी भी खींचनी है भाई फोटो। सो भाई फाइनली पहाड़ दिखने लग गए हैं भाई इतनी मेहनत के बाद। सो भाई हम घर से निकले थे 8 बजे और अब बज रहे हैं 5:30। सो भाई आप लगा लो कितनी देर की ड्राइव थी और उसके बाद भाई यहाँ का नज़ारा देख के ना सारी थकावट उतर गई है, मतलब कि सच बता रहा हूँ भाई आत्मा को तृप्ति मिल गई है। और ये गाड़ी खड़ी हमने थोड़ी देर फोटो शूट करा था और भाई ये रे क्यूटी पाइज व्हाट्सअप बेबी बडी नॉट बेबी वन लाइफ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलियो। गुड। सो गाइस ऑलमोस्ट अभी हम 430 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुके हैं और भाई सरकार ने रोड इतनी अच्छी बनवा दी है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ पूरे 430 किलोमीटर में 2 से 3 खड्डे आए होंगे, उसके अलावा फालतू कोई खड्डा नहीं आया। और हमें पूरी कार राइड में इतने मज़े आए ना भाई कि पता नहीं लगा, थकावट नहीं हुई बिल्कुल भी क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा साफ था। और थकावट हुई भी थी तो उतर गई है भाई, बिल्कुल उतर गई है, मज़ा आया फुल। और जनवन भाई देखो रोड दिखाता हूँ आप लोगों को, अब आ रहा है भाई बिल्कुल नहीं, आराम से चलाओ ब्रो। वाह भाई अभी आपको दिखाऊंगा मनाली जाके क्या सीन होते हैं भाई। दो चीते मेरे पीछे बैठे हैं। सो गाइस ये ऐसी टनल दिखती है यहाँ पे अगर आप मनाली की तरफ जा रहे हो। इस रास्ते में ऑलमोस्ट लगा लो आप 7-8 टोल आ चुके हैं, पर देखो अगर रास्ते ऐसे हैं ना भाई टोल देना अखरता नहीं है, पर अगर रास्ते खराब हो ना तो टोल चुभता है भाई देना। पर यहाँ के रास्ते बिल्कुल वर्थ इट थे, मतलब मज़ेदार बिल्कुल मक्खन स्मूथ। तो आप लोग आ सकते हो इधर, अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह का पंगा है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट यहाँ पे रोड्स हैं। बाकी अगर मैं मनाली तक पहुँचता हूँ मुझे कुछ भी वो लगता है ना तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। एक घंटे 50 मिनट का रास्ता बचा है मनाली का, मतलब बहुत ज़्यादा अब थकावट हो गई है भाई सच बताऊँ तो। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी में बैठने की क्योंकि ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं भाई, अब हालत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इस पूरे रास्ते में ना भाई 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता जो था वो ऐसा था कि भाई जिसे कच्चा रास्ता कहते हैं ना, जो मतलब कि काइंड ऑफ जिसको डेवलप करना है अभी, वो इतना सेफ तो कह सकते हैं पर हाँ वहाँ इतना सेफ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा वहाँ पे चलते हो। सो 15-20 किलोमीटर ऐसे आएंगे वो पार्ट बाय पार्ट है, ऐसा नहीं कि सारा एक ही गो में है। फाइनली अब हम अपने होटल में पहुंच गए हैं, द सेरेनिटी रिजॉर्ट एंड स्पा करके नाम है इसका। सो भाई देखते हैं कैसा होटल है। तो भाई दो बाइक हमने रेंट करी है, एक हिमालयन है और एक रॉयल एनफील्ड है। और भाई वीडियो करूँ यही पेंट क्योंकि बहुत थकावट हो गई है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो आपको मिलेंगी सैटरडे को, ये वेनसडे को आ जाएगा तो अगला ब्लॉग आपको मिल जाएगा सैटरडे को, मज़े आने वाले हैं। सो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बाकी वन लाइफ।